देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विशाल लोकतंत्र की कुछ जो आवश्यकताएं हैं, बहुभाषीय, बहुधार्मिक और कई विषमताओं के बीच जो एकाकी भारत की तस्वीर है, उसमें सोच समझकर 7 चरणों में चुनाव कराने का भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया और ये निर्णय स्वागत योग्य है। कुछ राज्यों में भी चुनाव होंगे, आंध्र प्रदेश में 13 मई को, अरुणाचल सिक्किम में 19 को। देखिए, अब तो कार्यक्रम जारी हो चुका है, बिहार के 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जनता तीसरी पारी के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर फैसला कर चुकी है। आज देश के करोड़ों लोगों के उम्मीदों की प्रतीक बनकर के नरेंद्र मोदी जी उभर रहे हैं और इसीलिए अगर दुनिया को एक बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार दे रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है, विकास का जो रोडमैप है वो बिल्कुल सुस्पष्ट है और समावेशी है, सबको इस विकास की रोशनी का लाभ मिलेगा, तो निसंदेह जो बेशुमार उपलब्धियां हैं इस सरकार की, जनता उस पर एतबार करती है और इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है। राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि हम लोगों को राइट मिला है जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कराने का, लेकिन लीगली दिसंबर के बाद वहां होंगे। इस पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एक तरफ वन नेशन वन पोल की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ कुछ स्टेट के भी चुनाव हो रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को डिनाई क्यों किया गया? अब देखिए, जहां जो कठिनाइयां हैं उसका निर्वाचन आयोग ने खुलासा कर दिया है और हर सवाल को सियासत से जोड़कर फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं देखना चाहिए। कश्मीर में विकास के कार्य हो रहे हैं, लगातार पूरी दुनिया के पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां के जो कारीगर हैं उनको इस सरकार से उम्मीद है, समय पर चुनाव होंगे और एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां बनेगी। 7 फेज में जो चुनाव की घोषणा हुई, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 70 से 80 दिन तब तो कोई विकास का काम नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हर सवाल पर अगर एतराज करना विपक्ष की आदत बन जाती है तो निसंदेह ये जो मुद्दे हैं वो हास्य परिहास की भेंट चढ़ जाते हैं। निर्वाचन 7 चरणों में हो और वजह क्या है, निर्वाचन आयुक्त ने विस्तार के साथ अपने संबोधन में उन तमाम तथ्यों का समावेश किया है और इसके बाद कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। शशि थरूर कहते हैं कि आने वाला चुनाव फ्यूचर ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। निसंदेह फ्यूचर ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, नौजवानों को रोजगार मिलना है, किसानों को न्याय मिलना है, तो फिर मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री और एनडीए की तीसरी पारी, ये समय की मांग है और इसलिए ये फ्यूचर ऑफ इंडिया की बात अगर है तो ये सच है। अधीर रंजन चौधरी ने उम्मीद जताई है कि फ्री एंड फेयर और वायलेंस रहित चुनाव होगा। निसंदेह होगा। अब चूंकि वो टीएमसी के साथ नहीं है और फौरी तौर पर उनके लिए मुश्किलें वहां टीएमसी के उम्मीदवार की वजह से ज्यादा है, उनका चुनाव जीतना आसान नहीं है, इसलिए कि मतों का विभाजन भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी राह आसान बना रहा है। वैसे में चुनाव शांतिपूर्ण हो, लोग निर्भीक मतदान कर सकें, इसके लिए कांग्रेस को सरकार और प्रशासन पर निरंतर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार की जो भूमिका है उसको वो नकार नहीं सकते हैं। मनोज जी कहते हैं कि हम लोगों ने चुनाव आयोग से लगातार कुछ शिकायतें की थी कि चुनाव के दौरान क्या होता है नहीं होता, उस पर भी तो कोई बात नहीं कर रहे हैं चुनाव आयोग, और जब चुनाव की घोषणा करते हैं तो कुछ दोहा की उन्होंने बात की थी। देखिए, मुद्दे अगर संज्ञान लेने लायक हैं तो निसंदेह भारतीय निर्वाचन आयोग को बात करनी है, लेकिन ये उनका क्षेत्राधिकार है और ऐसे आरोपों पर प्रतिक्रिया भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही देना चाहिए। के कविता, जिसको अरेस्ट किया था, उसको 7 दिन की कस्टडी दे दी गई है। देखिए, एक बात पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल साफ हो गई है,
भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर भी लगे हैं, उनका, उनकी विरासत, उनका प्रभाव, उनका कद क्या है, उससे एजेंसीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर आरोप है, आरोपों की जांच एजेंसीज करती हैं, और इसी कार्रवाई को लेकर विपक्ष चाहे जितना हमलावर हो, लेकिन कविता जी खुद को अगर साबित कर पाएंगी कि उनके खिलाफ जो आरोप है वो सही नहीं है, तो निसंदेह उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। ज्यादातर मामलों में कोर्ट जमानत अगर ऐसे मामलों में नहीं दे रहा है, तो कोर्ट भी आश्वस्त है कि इन मामलों में कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक जेलों में हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी एनडीए पूरी तरह से तैयार है बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। लोकतंत्र के महापर्व के लिए आज की तारीख बेहद अहम है। आज चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के एक बड़े, सबसे बड़े स्टेक होल्डर की हैसियत से जो हमारे मतदाता हैं, उनकी भूमिका सर्वोपरि है।